हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी के चलते इस सत्र की शिक्षा भी बाधित हुई है। स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे और इसी के साथ विश्वविद्यालय भी बंद नजर आए हैं। इसी बीच छात्रों पर यह संकट भी गहराया हुआ है कि उनकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। इसी बीच महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में नए शिक्षा सत्र को शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी कैंपस के लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को शिक्षा मिलेगी और वहीं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में भी ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। गौरतलब है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट कक्षाओं तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है और इसके तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डिजिटल लर्निंग सेंटर और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर की ओर से तैयारियां की हैं। आज से हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स की जो है वो शुरू हो चुकी हैं और इसमें 10,000 के लगभग जो बच्चे ऑन कैंपस से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारे यहाँ लगभग 38 डिपार्टमेंट हैं और 12 फैकल्टीज़ कह लीजिए यूनिवर्सिटी में हैं और उनमें जो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है इन डिपार्टमेंट के माध्यम से ऑफ़र किए जाते हैं जिसमें ऑनर्स प्रोग्राम भी हैं और कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हैं और पीजी प्रोग्राम्स हैं। इनमें लगभग 10,000 बच्चे जो हैं प्लस 10,000 प्लस जो है बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कोर्सेज में हैं।